इस वीडियो में हम लोग टाटा कम्युनिकेशन यानी जो टाटा प्ले का हिस्सा है उसी स्टॉक के बारे में हम लोग बात करेंगे। बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक्स एंड ये जो टाटा न्यू का लॉन्च हुआ है इसके वजह से सारे जो टाटा ग्रुप का शेयर्स है इसके चलते टाटा कम्युनिकेशंस को कैसे हेल्प सकता है, इसका टारगेट प्राइस क्या है, सारा हम लोग इस वीडियो में जानेंगे। तो देखिए, आपको सबको पता है कि टाटा न्यू अभी मार्केट में लॉन्च हो चुका है 7 अप्रैल को, आज के दिन में, एंड इसके वजह से सारे जो कंपनी हैं टाटा ग्रुप का सभी में अच्छा खासा वॉल्यूम देखने के लिए मिला है। बट टाटा कम्युनिकेशन एक ऐसा शेयर है, अगर आप देखेंगे इसका रिटर्न सभी जगह में इसका पॉजिटिव रिटर्न दिया है, कभी माइनस या नेगेटिव रिटर्न नहीं दिया है। अभी देखिए, यह एक दिन का डेटा है, मैं आपको एक वीक, एक महीना, एक साल, तीन साल और पाँच साल का डेटा दिखाता हूँ, आप देख लीजिए। कभी भी नेगेटिव रिटर्न कंपनी ने नहीं दिया है। एक वीक में कंपनी ने 15% रिटर्न, एक महीने में 18% रिटर्न, एक साल में 19% रिटर्न से भी ज़्यादा, तीन साल में देखिए 120% से भी ज़्यादा, पाँच साल में 84% से भी ज़्यादा रिटर्न कंपनी ने दिया है। बहुत ही बढ़िया एक कंपनी है फॉर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए। खास करके आप देखिए 87% एक्सपर्ट का ये कहना है कि टाटा कम्युनिकेशन इज गुड टू बाई, तो इसको खरीदारी किया जा सकता है। कंपनी का अगर 52 वीक्स अगर हाई प्राइस देखेंगे तो आप देख लीजिए 1592 तक चला गया था एंड इसका लो है 1037 रुपीस। आज इंटरडे में ये भी काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस रहा कंपनी का, 1253 to 1344, मतलब इट इज़ गुड फॉर इंटरडे ट्रेडिंग स्टॉक्स ऑल्सो। फंडामेंटली देखा जाए स्टॉक्स बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, 36,000 करोड़ का ज़्यादा मार्केट कैपिटल है, ROE है इसका बहुत ही ज़्यादा, डिविडेंड भी भर भर के कंपनी पे करती है। रेवेन्यू के मामले में अगर ईयरली देखेंगे तो कंपनी का रेवेन्यू बिल्कुल यहाँ पे कंसिस्टेंट परफॉर्म कर रही है। प्रॉफिट भी कंपनी अच्छा खासा यहाँ पे लास्ट ईयर में 1251 करोड़ का प्रॉफिट यहाँ पे रजिस्टर किया हुआ है। नेट एसेट भी कंपनी का अभी पॉजिटिव पर है, लास्ट ईयर में नेगेटिव पर था बट इस ईयर में आपको पॉजिटिव ही दिखाई देगा। शेयर होल्डिंग पैटर्न अगर देखेंगे तो प्रोमोटर्स के पास है 60% का हिस्सेदारी, तो वही इंडिकेशन देता है प्रोमोटर्स के पास अगर ज़्यादा शेयर है दैट मीन्स कंपनी इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग इंटरनली एंड इसका टेक्निकली बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। FII के पास भी 22% रिटर्न इन्वेस्टमेंट है, रिटेल इन्वेस्टर्स के पास है 12%, म्यूचुअल फंड होल्डिंग्स है करीब 5% एंड अदर डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन के पास है 4% का हिस्सेदारी। यहाँ पे बड़े बड़े जो म्यूचुअल फंड हाउस है जैसे ICICI, महिंद्रा, IIFL, इन्वेस्को, सारे बड़े बड़े म्यूचुअल फंड्स ने भी यहाँ पे हिस्सेदारी किया है, इन्वेस्टमेंट किया है। एंड इसका जो बिगेस्ट एक न्यूज़ है क्योंकि टाटा न्यू के चलते इस स्टॉक्स में काफ़ी अच्छा भी वॉल्यूम देखने के लिए मिल रहा है, क्योंकि इस बीकॉम इट एक्चुअली बिलोंग्स टू ग्रुप टाटा ग्रुप। तो टाटा ग्रुप का कोई भी शेयर्स अभी आपको बहुत ज़्यादा उछाल देखने के लिए मिलेगा ड्यू टू इट्स टाटा न्यू लॉन्च। और टाटा न्यू एक ऐसा ऐप है, सभी आप लोग यहाँ पे खरीदारी कर सकते हो। और टाटा कम्युनिकेशन एक्चुअली टाटा फाइबर, जैसे आपको पता है टाटा का जो आपका ब्रॉडबैंड का कनेक्शन है, ब्रॉडबैंड इंटरनेट कनेक्शन, तो टाटा प्ले एक्चुअली बिलोंग्स टू टाटा कम्युनिकेशन। एंड अभी जियो फाइबर भी मार्केट में काफ़ी अच्छा कर रहा है, बट जियो फाइबर का एक ही कॉम्पिटिशन है, वह है टाटा। तो टाटा फाइबर काफ़ी एक भरोसेमंद नाम है, काफ़ी लोग कॉन्फिडेंस है इसमें टाटा के नाम पर। एंड टाटा ब्रॉडबैंड भी अभी फाइबर टाटा फाइबर के नाम पर जाना जा रहा है, तो इसीलिए आपको इस कंपनी पर भरोसा करना चाहिए। लॉन्ग टर्म में इस पर आप इन्वेस्टमेंट रहेंगे, टेलीकॉम सर्विसेज का ये स्टॉक है, तो आपको ज़रूर लॉन्ग टर्म में प्रॉफिट मिलेगा। आप एक साथ इन्वेस्टमेंट ना करें, छोटा छोटा करके अगर इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आपका एवरेज आउट भी अच्छा खासा हो जाएगा। अगर यहाँ से छोटा भी करेक्शन देखने के लिए मिले तभी जाके आप नीचे में इसको खरीदारी कर सकते हो, सो दैट आपका जो प्राइस है वो एवरेज आउट होके अच्छा खासा आपको प्राइस मिल सके। बट टाटा कम्युनिकेशन ओवरऑल फॉर लॉन्ग टर्म के लिए बहुत ही एक गोल्डन स्टॉक्स है, आप इसको ज़रूर कंसिडर कर सकते हो आफ्टर योर ओन रिसर्च। बट मेरा रिकमेंडेशन यह है इट्स गुड फॉर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट एंड आपको इस स्टॉक में हमेशा अच्छा खासा रिटर्न मिल सकता है ड्यू टू टाटा न्यू, जैसे मैंने आपको ऑलरेडी बताया है। एंड टाटा का जो फाइबर टाटा प्ले अभी मार्केट में लॉन्च हो चुका है, इसका नाम चेंज हो गया है टाटा फाइबर, तो इसके चलते भी आपको अच्छा खासा यहाँ पर प्रॉफिट रिटर्न देखने के लिए मिलेगा। तो टाटा कम्युनिकेशन पर ज़रूर रिसर्च करें एंड आपके पास अगर सफिशियंट बैलेंस है तो इसमें आप ज़रूर इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस एंड जेन्युइन स्टॉक टिप्स के लिए
वीडियो के साथ चैनल के साथ बने रहे, चैनल को सब्सक्राइब करें, एंड ऐसे वीडियो देखने के लिए आपको हर रोज इनोवेटिव वे में मैं रिसर्च करने के बाद ही आपको स्टॉक रिकमेंडेशन करता हूँ। बट बिफोर यू इन्वेस्ट, आप भी ज़रूर इसमें निवेश करने के पहले रिसर्च कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के साथ नेक्स्ट वीडियो में।